तो अभी मैं भाला तहसील में मौजूद हूँ, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भदरवाह का एक तहसील है। तो ये मेरे पीछे आप एक स्वराज मजदा का एक ट्रक देख रहे हैं, और ये ट्रक जो है दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा हो आपको, लेकिन इसमें जो है जो इनके ऑनर हैं इनका ये क्लेम है कि जब से उन्होंने ट्रक ख़रीदा है इनके लिए सरदर्द बन गया है। सरदर्द क्यों बन गया है? क्योंकि इसमें जो है एक दिक्कत आ गई ट्रक में। इनने कंपनी के साथ बात की और कंपनी इनको जो है रोज़मर्रा टाल रही है, और इनका कहना कि इनने वो लाखों रुपए ट्रक पे खर्च अभी तक किए और ये ट्रक इनके लिए सरदर्द बन गया है। क्या है पूरा वाकया, क्या मसला है, तो इनसे ही जानते हैं। तो सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहिद अहमद। अच्छा बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको इस गाड़ी में? हमने ये गाड़ी ली थी 2018 में जी। हम जब कंपनी के जो सरदार जी वहाँ पे मैनेजर हैं वो आए थे यहाँ पे, उनने बोला कि यहाँ पे ये गाड़ी बहुत अच्छी है, आप ये गाड़ी ले लो। हाँ जी। तो हम भदरवाह में गए, वहाँ पे भैया एक थे, उनसे बातचीत होगी, उसके बाद उनने बोला कि आप आओ जी, कोई बात नहीं, जम्मू आपको गाड़ी शाड़ी दिखाएंगे, तो आप गाड़ी ये वाली ले लो। ठीक। हमने तो ऐसे टाटा वाली गाड़ी लेनी थी जी। लेकिन उनने बोला कि इतनी थोड़ी सस्ती भी है, हमने भी वही सोचा कि टाटा वाली गाड़ी उस टाइम 23 लाख की निकल रही थी, हमने ये गाड़ी निकाली 13,94,000 की। हमने उसी लालच में सोचा यार इतने पैसे बच रहे हैं, लेकिन उस पैसे बचाने के चक्कर में हम इतना गड़बड़ कर गए कि कोई बोलने की बात नहीं। तो हमने जी दिक्कत क्या आ गई अब इसमें? दिक्कत मैं नहीं आ गई कि जब हमने कोई एक महीना हो गया गाड़ी लिए हुए, तो इसमें इंजन ऑयल कम होने लगा। इंजन ऑयल कम होने लगा तो हमने गाड़ी फिर से वो जम्मू वर्कशॉप में उनके में पहुंचाई। उनने देखा, वहां पे चेक किया, बोलते यार कोई बात नहीं है, इंजन ऑयल टाइप करके दे दो, ये चलेगी गाड़ी। उसके बाद फिर 2-4 महीने चलाई हमने गाड़ी, हमने बोला यार इंजन ऑयल भी कम हो रहा है, आवाज भी आ रही है, बोलते कोई बात नहीं इसका इंजन खोल देते हैं, क्योंकि गाड़ी तो वारंटी में थी। 2 साल तक वैसे ही उन्होंने वारंटी में हमारा काम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन हमने 2 साल में हम तकरीबन कोई 50 बार हम जम्मू का चक्कर लगा चुके होंगे, तो आप खुद ही सोच रहे हो कि 250 किलोमीटर तो 200 कुछ किलोमीटर वन साइड होगा, 400-500 किलोमीटर हमने फेरे लगाए दो साल में जी। तो कितना खर्चा हमारा भी हो गया उस टाइम नुकसान, वो भी हमने बर्दाश्त किया। चलो जी कुछ भी है, थोड़ा बहुत कुछ कमा रही है, कुछ ले रही है, लेकिन उसके बाद हमने जब से ये गाड़ी ली है तब से तो सिर दर्द ही है। अच्छा बिल्कुल। तो आज की डेट में जो है ये गाड़ी क्या, क्योंकि गाड़ी इंसान लेता है कि पैसे कमाने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, तो आप इसके ऑनर हैं, तो अभी किस डेट में क्या समस्या आ रही है? अभी की डेट में हमने कोई समझो 3-4-5 महीने पहले हमने उनसे इंजन फिर से करवाया, मतलब 7-8 बार तो किया, मतलब पहले वारंटी में किया, उसके बाद खुद हमने पैसों में किया, लेकिन ये 4-5 महीने की बात है हमने किया उनसे, बोलते कोई बात नहीं इसका इंजन ओवरऑल कर लेते हैं। मैं ठीक है करो, किया इंजन ऑयल ओवरऑल, तो आप देख सकते, मैं इसमें बिल भी दिखा सकता हूँ आपको, इसमें बिल भी पड़े हुए हैं, वो 1 लाख कुछ हमारा खर्चा आ गया। उसके बाद को एक महीना हमारी गाड़ी चली तो फिर से इंजन ऑयल का वही मसला हो गया। मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है, आप तो चेक करो, बोलते गाड़ी जम्मू भेजो, भेजी गाड़ी जम्मू तो बोलते नहीं यार अभी आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, अभी ये वारंटी में नहीं है, बाद में देखेंगे। 2 दिन हम वहां पे खड़े रहे। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने नरवाल में ली गाड़ी, नरवाल में काम करवाया, सामान उन्हीं से लिया। वहां पे उनका एक मुंशी है, ये क्या बोलते हैं मैनेजर है, राजन उसका नाम है, कुछ ऐसा ही कुछ नाम है। तो वो जब भी हम दुकान पे जाते हैं तो वो बोलता है हमने तो आपके पैसे खाए हैं, वो बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमने तो पैसे से सामान लिया है। वो आज तक बोले कि मैंने 14 लाख की गाड़ी ली थी, अभी तक 25-30 लाख मैं इस पे लगा चुका हूँ, ये सारा टिपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है, बिल सारे पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन वो बात करने के लिए हमारे साथ बिल्कुल तैयार ही नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब हमारी और दिक्कत आई, जब वो गई, अब चलो इंजन बाहर से करवाया, उसके बाद गाड़ी चल रही थी, उसके बाद हमें स्टेयरिंग में दिक्कत आ गई। मैंने उनको स्टेयरिंग का फोटो भेजा, स्टेयरिंग बॉक्स ये, स्टेयरिंग पंप हमने खुलवाया, तो उनको फोटो भेज दिया मैंने, वो मैंने एमडी साहब को भेजा जो इनके मालिक हैं, उनको मैंने फोटो सेंड किया। तो क्योंकि मैं राजन के पास नहीं जाने लगा, मैंने बोला एमडी साहब को, सर इनको तमीज ही नहीं है, पहले इनको तमीज सिखाओ कि अगर हमने आपसे गाड़ी ली है, हमने तो पैसे दिए हैं, हमने कोई फ्री तो नहीं लिया है, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं तो हमने तो सामान आपसे ही लेना है, या तो अगर चलो जी टाटा की गाड़ी होती, अशोका लेलैंड की गाड़ी होती, कोई भी कंपनी की गाड़ी होती तो सामान तो मिलता है बाहर, लेकिन इसमें सामान बाहर से कहीं नहीं मिलता है। इसका जो प्रिंट होता है, जैसे किसी चीज का प्रिंट हो 1400, तो वो तो 1400 हमें अदा करना पड़ता है, वो तो मुझे कभी वो 5% लेस करते थे, उसके सिस्टम में भी राजन चढ़ जाता था। अच्छा। वो तो ट्रांसफर नहीं चलेगी, कैश नहीं चलेगा, पता नहीं क्या नहीं चलेगा। एक दिन तो मतलब ये कोई तीन साल पहले की बात है, 2.5-3 साल पहले की बात, तो गाड़ी को हमने काम शाम करवाया, तो शाम को तो मैंने बोला अभी ट्रांसफर कर दूंगा, बोलते नहीं यार ट्रांसफर कहाँ चलेगी, बोले हमें जीएसटी कटती है,
मैं, यार आप तो ऑनलाइन काम करते हो, जीएसटी सब कुछ है आपके पास, जीएसटी नंबर है तो वो क्यों निकाला है? ऑनलाइन के चक्कर में फिर दूसरे दिन मैंने किसी और बंदे के खाते में 40,000 रुपया डाला, फिर उनने कैश दिया, उस दिन उनने गाड़ी वहीं पे खड़ी रखी। आज का जो मसला है हमारा पंप का है, जो हमने पंप खोल के मैंने एमडी साहब को फोटो सेंड कर दिया, उन्होंने मुझे वहां से बिल सेंड कर दिया। मैं दिखाता हूँ आपको बिल भी, वो 16-18 हजार कुछ बोला उनने, प्रिंट है। बोलते हैं चलो जी शाहिद भाई कोई बात नहीं है, आपको हम 10% लेस दे देंगे। मैं ठीक है सर। उनने 16,400 मुझे पेमेंट डालने के लिए बोला, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी वो पड़ी हुई है। मैंने 16,000 उनको डाल दिया, उन्होंने मुझे पंप वहां पे भेज दिया। मैंने अपना ड्राइवर भेजा, उसके पास उन्होंने पंप दे दिया। पंप लाया हमने तो यहाँ पे पुल्लोड़ा में एक हेड क्लास मिस्त्री है, 20-25 साल उनको, अयाज मिस्त्री, तो उन्होंने वो पंप लिया तो उनके पास दिया, तो उन्होंने पंप फिट कर दिया। उन्होंने पंप फिट किया तो मुझे ड्राइवर फोन करने लगा, यार इस पंप में कुछ गड़बड़ है, मिस्त्री बोल रहा है ये पंप पुराना तो नहीं है। मैं, तेरा हुआ है दिमाग खराब, मैं तुझे सियाना बंदा है तू क्यों बोल रहा है ये पुराना पंप हो सकता है, ये तो नया पंप है। मैं, यार मैंने 16,000 खर्चा है तो ये तो नया ही पंप होगा। बोलते मिस्त्री बोल रहा है इस पंप में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। मैं, चलो फिट करो यार कोई बात नहीं है। जब फिट किया तो उन्हें ट्राई ट्रू मारी, बोलते स्टेयरिंग बिल्कुल उससे भी भारी हो गया। मैंने फिर से किया कंपनी वालों को फोन, मैंने बोला सर जो पंप हमने भेजा था वो गाड़ी नहीं चल रही है। बोलते यार एक दो दिन देखो, ब्लीड श्लीड करके देखो, तो हम अपना मिस्त्री भेजते हैं। मैंने गाड़ी भेजी डोडा, उनका वर्कशॉप यहाँ पे डोडा में भी खुला हुआ है, भेजी वहां पे गाड़ी। तो उन्हें बोला यार इसको स्टेयरिंग ऑयल टाटा वाला पड़ा है, इसको पड़ना चाहिए था स्टेयरिंग ऑयल SML वाला। मैं, सर कोई बात नहीं, इसको फेंक दो, इसको बाहर निकाल दो, SML वाला डालो। उन्होंने वो वाला सारा निकाल दिया, उन्होंने SML वाला उसमें डाल दिया। थोड़ा बहुत थोड़ा सा फर्क, मामूली सा फर्क होने लगा। बोलते यार ये चलेगा। फिर से हम आए वापस, फिर से गाड़ी खड़ी होगी, फिर वैसे ही खड़ी रखी मैंने 8-10 दिन। फिर मैंने किया फिर MD साहब को फोन, मैंने बोला सर आप ऐसा करो, कुछ ऐसा समस्या देखो, अगर मैंने 16,000 रुपये खर्चा है तो ऐसे क्या क्यों दिक्कत कर रहे हो आप, 20 दिन हो गए मुझे ऐसे ही चलते हुए, क्योंकि ये तो चल नहीं रही है गाड़ी। बोलते आप गाड़ी जम्मू भेजो। अच्छा, मैंने फिर गाड़ी जम्मू भेज दी। ये देखो ये लड़का भी साथ में था, इसके पास और ड्राइवर के पास मैंने गाड़ी उनके पास वर्कशॉप में भेज दी। आज मतलब शाम को या आज सुबह यहाँ से गाड़ी गई तो शाम को वहां पे वर्कशॉप में पहुंची। कल उन्होंने खोला पंप शंप, खोला 2 दिन उन्होंने लगाए, 3रे दिन बोलते हैं यार, बोलते नहीं यार ये पंप नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ, मैंने MD साहब को फोन किया, मैंने बोला सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, अगर आपने पैसे कमाने का सिस्टम में बड़े जरिए पैसे कमाने के, तो कोई कटोरा पकड़ लो, कुछ और सिस्टम देखो। उनने वो उस सिस्टम से मुझ पे गुस्सा हो गए। मैं, सर आपका गुस्सा होना भी जायज है, क्योंकि मैंने गलत बात बोली आपको कि कटोरा पकड़ो, लेकिन मैंने गलत बात इसलिए बोली कि यार मुझे भी 20-25 दिन हो गए, तंग हो गया मैं खुद दुकान करता हूँ, मैं दुकान करूँ या गाड़ी के पीछे चलूँ या ड्राइवर के पीछे चलूँ या कंपनी वालों के पीछे चलूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मसला हल हो जाएगा। उन्होंने स्टेयरिंग खोला, पंप खोला निया नीचे, तो उन्होंने वो पंप शंप करवाया। तो उसके बाद फिर से बोलते यार चल जाएगी गाड़ी, बोलते आप चलो। लेकिन गाड़ी में मसला ये आता था कि जैसे हमने अभी खड़ी गाड़ी या स्टेयरिंग नहीं कटेगा, जैसे चल रही है गाड़ी तो स्टेयरिंग तो ठीक कटेगा, क्योंकि वो पंप की दिक्कत थी। उसके बाद वैसे ही मैंने फिर उन्हें आए वापस, गाड़ी फिर वापस लाई, कोई दिक्कत कोई कुछ नहीं हुआ मसला। फिर से मैंने गाड़ी खड़ी कर दी घर में, फिर से मैंने फोन किया 5-7 दिन बाद में, सर कुछ ना कुछ मसला देखो। बोलते यार शाहिद भाई आप जम्मू आ जाओ तो खोल के लाओ। मैंने स्टेयरिंग बॉक्स भी खोल के लिया, स्टेयरिंग पंप अपना भी लिया, दूसरा भी लिया, वो पंप दिखाना जरा। तो मैंने वो दोनों पंप ले लिए, उनने वहां पे चेक किए पंप शंप। तो बोलते यार हम आप एक काम करते हैं, ये पंप लेके आप हमारा मिस्त्री है नरवाल में, हमारा अपना पंप वाला, उसके पास ले जाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पंप उठा के उसके पास ले लिए, ये दोनों पंप मैंने उसके पास ले लिए। तो उसको मैंने ये पंप जब दिखाए, तो ये दिखाना इधर, मैंने ये दोनों पंप उसको दिखाए। ये देख सकते हो आप, ये मेरा वाला पंप है, मतलब जो इसमें गाड़ी में चल रहा था, ये उनने नया दिया है। अभी आप देख सकते हो 2 महीने का ये पंप लग रहा है आपको नया है। और एक चीज है जो मेरी गाड़ी पे अभी ये मिटा हुआ है, मेरे पास फोटो पड़ा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है 2017 मॉडल। इस पंप पे जो उनने सेकंड हैंड गाड़ी, मैंने उनके मिस्त्रियों से ही पता किया है कि वो ऊपर उनके यार्ड में लगी हुई है, मतलब एक्सीडेंट गाड़ी है। ये देखना 4/1/2018, ये 18 मॉडल गाड़ी का पंप है। अभी आपको अगर मैं फोटो दिखाऊं, तो मैं फोटो मोबाइल में जो मैंने पंप लिया था दिखाऊं, कोई नहीं मैं डाल दूं। हाँ, तो जो मैंने नया पंप लिया, तो उसके बाद जब उनने भेजा ये पंप लेके जाओ जी, वो खुद उनने जो गुप्ता साहब है बड़े हेड हैं, जो उनने मुझे भेजा ये पंप लेके आप जाओ जी फलानी मिस्त्री के पास। मैं ये दोनों पंप लेके गया, तो बोलता यार ये तो पंप दोनों करने में। मैं, सर ये तो एक नया लिया हमने, 2 महीने हो गए ये चल नहीं रहा है। बोलते ये चलेगा, बोलते कहाँ से चलेगा, बोलते ये पुराना पंप है। मैंने बोला सर ये पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो 16,000 रुपया दिया है।
बोलते हैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको पंप एक देता हूँ। उनने मुझे पंप वो दिखाया जो मैंने इस गाड़ी को अभी चल रहा है। उनने मुझे बोला ये टाटा वाला पंप है, ये आपको पड़ेगा 9,500 का। मैंने उसका पंप का फोटो उसी टाइम उठा लिया। मैंने बोला सर मैं पता करता हूँ थोड़ा, मुझे काम है थोड़ा, तो मैं अभी आया। मैं नरवाल में घूमने लगा। मैं जब घूमा तो मैं पहुंचा नरवाल में सुदर्शन मोटर के पास। सुदर्शन मोटर के पास पहुंचा तो मैंने उनको बोला मैंने ये पंप दिखाया, मैं सर ये मुझे पंप चाहिए था। उनने बोला यार मिल जाएगा। उनने दिखाया, उनने टाटा 410 गाड़ी जो 100 फुटी टिपर होता है उसका पंप दिया मुझे। बोलते ये चलेगा। मैंने सर ये तो टाटा वाला गाड़ी का है तो ये चलेगा। उसने भी वही फोटो दिखाया था मुझे। बोलते हाँ ये चलेगा। मैं सर ये कितने का है? बोलते ये तो 3500 का आपको पड़ेगा। मैं सर कुछ ना कुछ लेस। मैं तो आसमान से नीचे गिर गया। मैं यार उनने तो मुझे 16,000 का पंप दिया तो वो नहीं चला तो ये 3500 का कहाँ चलेगा। उधर एक सरदार जी मिस्त्री बैठे थे, उनने बोला यार अगर नहीं चलेगा मैं तुझे इधर से पैसे दे दूंगा। उनने ऐसी बात बोली। मैंने वही पंप वैसे ही उठा के लाया, दुखी जैसा आ गया मैं यार। उनने बोला, कंपनी वालों ने बोला, कुछ नहीं हुआ। मैं वो दुखी जैसे नया पंप लेके आया तो आया इधर भाला। इधर यहाँ पे हमारे मिस्त्री है राजू जी, उनसे लिया तो उनने बोला मैंने ये पंप फिट करो, तो पंप फिट करो तो ऑयल शॉयल डालो चेक करते हैं। उनने पंप फिट किया तो आप अभी देख सकते हो गाड़ी, तो पंप नया डाला हुआ है मैंने, तो गाड़ी ओके है बिल्कुल मेरी। ओके, अभी ओके, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मुझे बताया आपकी समस्या क्या, आपको क्या कंपनी जो है SML इससे प्रॉब्लम है या इनका जो स्टाफ है उनसे प्रॉब्लम है? मेरी बात सुनो, ये कंपनी से तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन तो गाड़ी भी ना होनी चाहिए ना, गाड़ी भी होनी चाहिए कि जो चलनी चाहिए। अच्छा। अगर इन्होंने ये 165 फुट गाड़ी बनाई है तो इसको तो 100 फुट लोड है के नहीं चलती है। अच्छा। वो भी मसला है ना। अभी देखो लोगों को यही मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तो खजल हो गया हूँ। मैंने तो 14 लाख खर्चा था, 23 लाख खर्चना था, टाटा वाली गाड़ी लेनी थी 200 फुट। मैंने 14 लाख खर्चा तो ली स्वराज माजा की। अभी मैं तो खजल हूँ। अभी देखो आप खुद देख सकते हो, 2018 मॉडल गाड़ी है मेरी, 18 मॉडल गाड़ी है। तो अभी आज तो 2023 चल रहा है, उतना तो कोई टाइम हुआ नहीं है, लाखों को 10 साल पुरानी तो गाड़ी है नहीं। तो लेकिन मेरी इतनी हालत खराब है कि मैं अभी इसको कबाड़ में बेचने के चक्कर में हूँ। अच्छा। अगर कोई 1-2 लाख आए तो कबाड़ में बेच दूंगा, क्योंकि इतना तंग हालत हो गया हूँ स्वराज माजा की सिस्टम से। अभी आप कह रहे हैं जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ियां लेना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको? मैं तो उनको यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ना, अगर वो गाड़ी लेंगे तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा, चाहे वो श्रीनगर का हो या पंजाब का हो या जम्मू का हो या किश्तवाड़ का हो, कहीं का हो या भद्रवाह का हो, वो तो मुझे कुछ नहीं देगा कमा के। मैंने अपनी गाड़ी पे ही कमाना है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि ये गाड़ी मत लें, नहीं तो डूब जाओगे, ये गाड़ी बिल्कुल ना लें। और मैं यही बोलता हूँ कि मैंने तो केस फाइल कर दिया है कंज्यूमर कोर्ट में, मैंने केस फाइल कर दिया है। अब देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि हम तो खजल होते आ रहे हैं 2018 से आज तक। अभी यही मेरी अपील है सबसे, गवर्नमेंट से भी अपील है कि कोई हमारा हल देखा जाए। बंदा लेता है, अभी देखो कागजों का क्या हाल है। अभी आप मेरी गाड़ी को खुद देख सकते हो कि मैंने इसके कागज कैसे मेंटेन रखे होंगे। अभी खुद इसके कागज चेक कर सकते हो आप, ऑनलाइन करो कुछ भी करो। अभी RTO दफ्तर में जाओगे, वहां की कितनी फीस है, बाकी जगहों की, हर एक चीज में मेंटेनेंस करना कोई आम काम नहीं आज का। तो ऊपर से गाड़ी कमाए ना, खुद जेब का लगे तो फिर कैसा लगता है। इसलिए मैं तो बड़ा दुखी हूँ। ओके, उनने ये भी बोला था मुझे लास्ट पे, जब मैंने लास्ट पे गाड़ी दी थी उसके बाद मैंने कंपनी में नहीं ली गाड़ी। बोलते आप लगाओ कुछ लगाओ। मैं सर आपने तो 14 लाख लिया मुझसे, अभी तो मुझे बैंक का फाइनेंस भी नहीं खत्म होता है। अगर मैं बैंक वालों को गाड़ी दे दूं वो पकड़ेंगे, जेड के बैंक वाले गाड़ी पकड़ेंगे, वो तो गारंटर को किस्त काटेंगे, उनको क्या है उससे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको भी देखा जाए, क्योंकि सरदार जी है वहाँ पे पगड़ी लगा के है लेकिन बड़ा झूठ बोलते हैं। वहाँ पे सिर्फ MT साहब है वो सच बोलते हैं, लेकिन जब सरदार जी ने और राजन जी ने मिलकर पुराना पंप मुझे ठोक दिया, MD साहब को क्या पता है। मैंने तो उनको बिल्कुल मतलब क्लियर करके दिया कि सर ये पुराना पंप है, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। मैं रिक्वेस्ट उनसे भी करता हूँ, विनती हाथ जोड़ के, कि अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ करना, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ इस गाड़ी से, बहुत दुखी हूँ। मैं क्यों आग लगाऊं, वो लगाएं आग अपनी गाड़ियों को, हमारी गाड़ी को, मैंने तो पैसे दिए हैं। इसलिए जिस तरह से शाहिद अहमद ने अपनी दास्तान बताई, तो यहाँ पर एक और इनके साथी हैं उस्मान, जो जम्मू गए थे गाड़ी लेके, इनके साथ वहाँ पे क्या कैसा बिहेव किया गया, क्या इनको कहा गया, हम इनसे जानने की कोशिश करें। तो क्या बताइए जो उस्मान जी, जब आप गाड़ी लेके जम्मू गए थे, कब गए थे जम्मू और क्या वहाँ पे हुआ? एक्चुअली हम एक महीना पहले गाड़ी लेके गए थे, तो इसका स्टेयरिंग पंप बैठा हुआ था। तो हम यहाँ से गए, हमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी गाड़ी चलाने में, गाड़ी लोड होती है तो कहीं ब्रेक दी तो अचानक से गाड़ी स्टेयरिंग कटता ही नहीं हमारा कहीं पे भी। तो हम जम्मू चले गए, रात को चले, सुबह चले गए तो शाम को वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने 2 दिन वहाँ पे हमें रखा, तो इसका काम फिर भी नहीं हुआ। तो हमारा जो फिर भी थोड़ा एक पंप था वो फिर भी थोड़ा बहुत चलता था, वो नरवा लिया उन्होंने,
वहां से आते हुए कंडम करके फेंक दिया जो हमने नया लगाया था। इसमें 10 दिन भी नहीं हुए थे उसे लगाए हुए, तो वो भी कहते हैं बोलते हैं चलेगा तो हम इसको चलाएंगे। वो 18 मॉडल था लेकिन वो चला, वो भी नहीं चला, वो थोड़ा सा चलाया उन्होंने, हमने एक रोड लगाया तो फिर से बैठ गया। तो उन्होंने गेट शेट बंद कर दिया, बोलते हैं हम नया पंप नहीं देंगे, बोलते हैं हम इसकी जगह पे नया पंप नहीं देंगे, अगर पैसे पे करोगे आप तो हम नया पंप देंगे आपको 18,000 का, लेकिन ये पंप आपको रखना पड़ेगा। मैंने कहा इसकी जगह पे दूसरा पंप दे दो हमें तो हम जाएंगे वापस। तो उन्होंने यही पंप हमें फिट करके दिया। मैं उधर अंदर गया, तीसरा दिन था, कहते अब कल के लिए बैठो, बोलते अब जितना टाइम बैठोगे बैठो, लेकिन गेट बंद करके चले गए वो। उन्होंने वहाँ पे ताला लगा दिया गेट को। तो MD सर आए वहाँ पे, तो वो कहते हैं इस गाड़ी को आग लगाओ या दरिया में फेंको, मुझे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। सरदार जी कहते हैं, बोलते हैं भिखारियों को इधर से भगाओ, बोलते हैं इनको दोबारा इधर गेट के अंदर एंट्री नहीं देना। अच्छा। हाँ, फिर मैंने उनको लेबर फिर मैंने उनको रात को लेबर दी वहाँ से, फिर उन्होंने गेट खोला, फिर वहाँ से निकले हम, नहीं तो वहाँ से हमें गेट बाहर नहीं दे रहे थे जाने, गेट बंद कर दिया था उन्होंने, वो काम ही नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी हमारा स्टेयरिंग वैसा ही था, फिर हमने 3500 का डाला है, वो आज ओके चल रहा है, हमारे महीने से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। इसको देखा जो यहाँ पर जो यहाँ के ऑनर है शाहिद साहब या उस्मान साहब, उनने कहा कि यहाँ पर जो जम्मू में यहाँ पर गाड़ी बिकती है, जहाँ पे सेल होती है SML की गाड़ी है, और लोग बड़े चाव से लेते हैं ताकि हर कोई चाहता है रोजगार कमाना, एक गाड़ी जो है 10 घर को पालती है। लेकिन शाहिद साहब का कहना, इनका ये क्लेम है कि इस गाड़ी ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत दिक्कत आई, जब से इन्होंने गाड़ी ली है तब से इनको परेशानियां हैं। और जिनका ये भी कहना है कि ये जब जम्मू जाते हैं जहाँ से इन्होंने गाड़ी निकाली, तो इनके साथ जो अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है वहाँ पर इनको जो है लूटा जाता है, जैसे कि शाहिद साहब ने कहा। तो अब जैसे शाहिद साहब ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गाड़ी ना ले दूसरी ले, बहरहाल अब शाहिद साहब ने उन पर जो है कंज्यूमर कोर्ट में केस भी किया है, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन जो दुखी दास्तान जो शाहिद साहब ने सुनाई, अगर शाहिद साहब की बात में सच्चाई, तो मैं समझूंगा कि लोगों को गाड़ी लेने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो है बड़ी मेहनत से बड़ी मुशक्कत से लोग लेते हैं, इतनी लाखों रुपये खर्च करके अगर फिर ऐसी हालत हो जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे जो है परेशानी ड्राइवर को भी हो सकती है, गाड़ी के मालिक को भी हो सकती है, और कंपनी जो ये गाड़ी बेचती है उनको भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। पहले जो भी आगे जो इसका जो इतने केस किया है या जो आगे भी जो रद्द अमल होगा, जो भी सामने चीज़ आएगी, हम आप तक तो वो पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।